बिहार में अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, दंभ इतना कि अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते। इसकी एक बानगी देखने को मिली सीतामढ़ी से। दरअसल सीतामढ़ी में नीतीश सरकार के दो अधिकारी आपस में उलझ गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि महिला सीओ ने थानाध्यक्ष को भी अपने सामने कुछ नहीं समझा और जड़ दिया थप्पड़। इतना ही नहीं, चप्पल तक फेंक कर मार दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर भीड़ जुट गई। घटना की खबर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में पहुंची तो वहां भी हड़कंप मच गया। हुआ ये कि सीतामढ़ी के परिहार में साप्ताहिक जनता दरबार के दौरान शराब विनिष्टीकरण के सवाल पर परिहार सीओ मोनी कुमारी और थानाध्यक्ष राजकुमार गौतम आपस में भिड़ गए। वहाँ पे खड़ा थे पोखरी के पास, हल्ला हुआ है तो हम लोग दौड़ के इधर आए हैं। तो जब तक आए हैं तब तक कुछ लोग यहाँ पे थे, विद्या भाई लोग पूछताछ किए हैं कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ है। तो मालूम चला है कि सीओ साहब और थाना प्रभारी साहब शराब नष्टीकरण के लिए बोले हैं उनको कि शराब नष्टीकरण करा दिया जाए। तो बोला कि हम नहीं कराएंगे। तो कारण पूछे हैं कि काहे नहीं कराएंगे, तो आप हमारा मालिक है क्या? इसी क्रम में दोनों आदमी हुआ उधर से उतरे हैं चप्पल उठा के और उनको लोग बोला कि मार दिए। बस कौन चप्पल से मार दिए? सीओ साहब और उसका वीडियो। हाँ, उसका वीडियो है। वीडियो है अब थाना पर, ये थाना परिसर है। थाना परिसर में हमारी आपकी अच्छा किसी की गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है। थाना परिसर में हमेशा कैमरा लगा हुआ और जो जैसा है उसके लिए बेहब वो सब लोग बताएंगे। बड़ी दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग 10 साल 15 साल प्रतिनिधि रहे, आज मीडिया में इस तरह का बयान पदाधिकारी के खिलाफ में नहीं दे पाए, लेकिन आज मजबूरन बोलना पड़ा। हम जैसे लोगों को आज वहाँ पे उन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो साइड होकर निकल जाते हैं कि झगड़ा करने के बाद। घटना के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है, हम जब हाई स्कूल में थे तो एसपी और डीएम के गाड़ी आ रही थी। हम सोचे क्या है, तो जब यहाँ आए तो जानकारी हुई कि शराबी के नष्टीकरण के लिए बड़ा बाबू बोल रहे थे कि इसका करवा दीजिए, कि बार बार चौकदार से लाना ले जाना पड़ता है, आती नहीं है। तो कहता कि हम क्यों करवाए, आप मेरा मालिक है और जो हम सुने हैं। और निकल कर वह चप्पल निकाल कर बड़ा बाबू पर अथी करना शुरू करते हैं। थाना देख पर चप्पल निकाल, हाँ चप्पल निकाल कर। ये वीडियो कैमरा सब तो साक्षात है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। जनता दरबार में सीओ आती है लगातार? सीओ नहीं आती है, कभी कल आती है, जब फोन करके बुलाता है लोग तब आती है। इसके बाद भी फोन किसी का नहीं उठाती है, किसी का फोन नहीं उठाती है, गाली मुंह बोलती है, माने माहौल दर्शक माहौल बना दिए फिल्म में। बताया जा रहा है कि शराब विनिष्टीकरण नहीं किए जाने के सवाल पर थानाध्यक्ष ने महिला सीओ को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से महिला सीओ मोनी कुमारी ने चप्पल उठाकर थानाध्यक्ष की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद परिहार थाना और अंचल कार्यालय का माहौल गर्म हो गया। डीएम रिची पांडे भी मौके पर पहुंचे। वहीं इस बात की सूचना पाकर जिले के सभी सीओ परिहार अंचल पहुंचे और फिर आगे की बातचीत हुई। दरअसल जिले के परिहार थाने में जब्त की गई शराब का विनिष्टीकरण का मामला था, इसका विनिष्टीकरण किया जाना था और मौके पर महिला सीओ मोनी कुमारी, थानाध्यक्ष राजकुमार गौतम समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान किसी बात पर दोनों में सहमति नहीं बन सकी। थानाध्यक्ष राजकुमार गौतम की बात पर सीओ को एतराज था, बात बढ़ गई। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला सीओ ने कथित तौर पर थानाध्यक्ष पर चप्पल और थप्पड़ चला दिए। सीओ और थानाध्यक्ष की सूचना पर डीएम और एसपी तमाम जो अधिकारी है वहां पर पहुंचे। बड़े अधिकारियों के सामने दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, हालांकि तत्काल कार्रवाई की बिंदु पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पूरे मामले पर अब कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचता ही नजर आया। दूसरी ओर ये मामला परिहार प्रखंड समेत पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। शाम होते होते ये मामला सूबे की राजधानी पटना तक गूंजने लगा और बड़े अधिकारी पूरे मामले पर पर्दा डालने की कवायद में जुटे हुए हैं। खबर ये भी कि जिले में पुलिस और प्रशासन आमने सामने नजर आ रही है। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।